द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनुस्मृति देख रहे हैं। हमने पढ़ा था कि इस संसार में बिना किसी प्रयोजन के कोई भी प्राणी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, और उसी तथ्य को ये इस रूप में कह रहे हैं, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर ही चित, यद यद ही कुरुते किंचित तत् तत् कामस्य चेष्ट। मनु कहते हैं अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते न इह कर ही चित, कर ही चित, इस संसार में कोई भी कार्य बिना किसी कामना के कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। अकामस्य काचित क्रिया न दृश्य, अकामी मनुष्य की कोई भी क्रिया कहीं भी होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। यदि यदि कुरुते, इस संसार में जो जो भी कार्य किए जाते हैं प्राणियों के द्वारा, यदि यदि क्रियते, यदि यदि कुरुते, जो जो कोई प्राणी कार्य करता है, किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्, वह सब काम यानी इच्छा से ही चेष्टित है यानी प्रेरित है। अर्थात बिना किसी प्रयोजन के मनुष्य किसी भी कार्य में, कोई भी प्राणी किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए हमें जो जो भी कार्य दिखाई पड़ते हैं इस संसार में, हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी न किसी कामना से प्रेरित है। इसलिए जो कहा संसार में कामनाओं का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता, तो फिर कामना किसकी करें? मनु कहते हैं, पिछले श्लोक में कहा था कि वेदाध्ययन, और वेदाध्ययन से मोक्ष की ओर प्रवृत्ति, यही काम्य है, बाकी सब निषिद्ध है। अगला श्लोक देखिए, तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् तथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समुस्मृते। तेषु सम्यग् वर्तमानो, उन शास्त्र विहित कार्यों में सम्यक यानी भली भांति, वर्तमान मतलब रहता हुआ, यानी उन वेद विहित शास्त्र विहित कर्मों को कार्यों को करता हुआ मनुष्य अमर लोकताम गच्छति, देवलोक को प्राप्त कर लेता, स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अगर शास्त्र विहित कर्मों का संपादन करता है मनुष्य तो अमर लोक को प्राप्त करता है। यथा संकल्पितांश्च इह सर्वान् कामान् समस्त, और सर्वान् कामान्, समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को समस्ते प्राप्त कर लेते हैं, समस्ते सम्यक रूप से प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। और किनको? यथा संकल्पितान्, जैसा संकल्पित था, जैसा विचारित था, जैसा मन में सोचा था, उन सभी कामनाओं को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कब करता है? जब वह शास्त्रों में निर्दिष्ट कर्मों का प्रतिपादन करता है, यदि उन कर्मों का संपादन करता है जो शास्त्र विहित हैं, वेद विहित हैं, तो उन कर्मों के संपादन से मनुष्य अपने मन में सोचे गए समस्त इच्छित पदार्थों को, इच्छित परिणामों को प्राप्त कर लेता है। और गच्छति अमर लोकताम, और अमर लोक को यानी स्वर्ग को भी प्राप्त कर लेता है, ये मनु कहते हैं। अर्थात हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म किए कोई प्राणी संसार में नहीं रहता। एक मंत्र है ईशोपनिषद में कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि
हिजी विषे क्षतम समा, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्म करते हुए, पूर्वन्नेवे कर्माणि, कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, जिजी विशेष कर्म करते हुए। यानी कर्म का कहीं भी निषेध नहीं है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्म कौन से करें हम? जो वेद विहित है, शास्त्र विहित है। यदि हम वेद विहित और शास्त्र विहित कर्मों का संपादन करेंगे तो हमें स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा और हमारी जो जो भी इच्छित वस्तुएं हैं, संकल्पित पदार्थ हैं, वो सब हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है। अगला श्लोक कहते हैं, यानी इच्छाओं का, पीछे आपने पढ़ा कि इच्छाओं का निषेध नहीं किया गया, इच्छाएं तो करनी पड़ती हैं, परंतु ये बंधन का कारण है। इसलिए शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान में अच्छी तरह से निष्ठा अगर हो तो स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो सकती है, इसका अन्यत्र भी समर्थन मिलता है शास्त्र। अब जैसे कहा छांदोग्य उपनिषद में, स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पातेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, छांदोग्य उपनिषद में कहा यदि कोई पितृलोक की कामना करता है, मन में संकल्प करता है, तो संकल्प से उसको पितृलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी शास्त्र विहित कर्मों का संपादन सर्वत्र प्रशस्त बताएं। अगला देखिए ये श्लोक, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदां आचारश्चैव साधूनां आत्मनस्तुष्टिरेव च। ये धर्म का संक्षेप में एक लक्षण बताया। सबसे पहले कहा वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल वेद, संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं, धर्म के जड़ में, धर्म की जड़ में कौन? संपूर्ण वेद, वेदोखिलो, अखिल वेद संकल्प मूल है, धर्म मूलम, अखिल वेद, समस्त वेद धर्म के मूल हैं। स्मृतिशीले च तद्विदां, और तद्विदां यानी वेद विदां, वेद विद्या को जानने वाले वेदज्ञ लोगों के की स्मृति और उसका शील, उसकी स्मृतियां और उसका शील, ये भी धर्म का मूल है। एक तो धर्म का मूल समस्त वेद है, दूसरे वेदज्ञों की स्मृतियां और उसका शील यानी आचार, वो भी धर्म का मूल है। और फिर आचारश्चैव साधूनां, साधुओं का आचार, सज्जनों का व्यवहार, उनकी जीवन पद्धति, और आत्मनस्तुष्टिरेव च, उनके चित्त की संतुष्ट, आत्मा की संतुष्ट, साधुओं का आचार और उनकी आत्मसंतुष्टि, ये भी धर्म के मूल हैं। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म के मूल हैं। स्मृतिशीले च तद्विदां, और उनको जानने वालों की स्मृतियां और उनका शील, ये भी धर्म का मूल है। आचारश्चैव साधूनां, सज्जनों का आचार विचार व्यवहार और उनकी आत्मसंतुष्टि, ये भी धर्म का मूल है।